देहरादून से हैं कावेरी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शैलजा मैम, जी नमस्ते नमस्कार मैम। अकीम जी सर, कैसे हैं आप? स्वागत है कावेरी जी का। सर कैसे हैं? बहुत दिनों बाद बात हुई मैं थी, ठीक मेरा हूँ फोन लग कावेरी नहीं जी। पा रहा था। बहुत दिन बाद वाकई बात हो रही है आपसे। आप ठीक हैं? जी आप बताइए, आप ठीक हैं? कल तो आपकी आवाज में बहुत वीकनेस लग रही थी, पूछने की जरूरत नहीं कि आप कल ठीक नहीं थे। मैंने प्रोग्राम सुना था और कॉल लगाने की कोशिश की पर लगी नहीं, और आज आप ठीक हैं, बेटर हैं? हाँ, मैं गांव से होकर आया हूँ, बड़ा सुस्त चल रहा हूँ, लेकिन आपसे बात होते ही मैं एक्टिव हो जाऊँ। आप खुश रहिए, और इतने लोग आपको चाहते हैं, इतने सारे व्यूअर्स हैं कि लिस्ट बनाने से आप नाम भी लिख नहीं पाएंगे शायद। लेकिन बात लंबी हो जाए, मेरे पास एप्रिसिएशन के वर्ड्स नहीं है आपके लिए। बहुत तारीफ करूंगी क्योंकि मेरे परिवार में किस किस को फायदा हुआ है, पहले मैं फीडबैक कॉल देना चाहूंगी। हालांकि मैंने बता रखा है, मेरे हस्बैंड को बचपन से शायद बाहर से डिस्टरबेंस आ रहा है, वो कूड़े की गाड़ी है। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, जी हमें बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं आ रहा, वहीं हाँ। आपकी आवाज़ उसको वहीं फिल्टर कर देती है। अरे सर, आपकी आवाज में वो लहजे में वो शांति है कि बस मन खुश हो जाता है सुन के, बहुत तसल्ली होती है। इतना ज्यादा पीसफुल साउंड रहती है आपकी आवाज, बहुत अच्छी लगती है, बहुत शांति से बताते हैं, बहुत बैलेंस के साथ। ये तो एक अलग ही बात है, और सभी तारीफ करते हैं। आज मैंने सोनी का भी रिमार्क सुना था सुबह, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी थी। तो सच में आप प्रशंसा के पात्र हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है, क्योंकि शायद आप रब के करीब हैं, ये भी कह सकती हूँ। आपका ऑरा बताता है फेस का। लेकिन समय निकल जाए इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को फीडबैक कॉल में बचपन से नजला था। मैं इतनी खुश हूँ कि उनको खूनी बवासीर और बचपन से नजला दोनों में फायदा हुआ है। 1.5 मंथ से मैंने उनको दिया है बना के नुस्खा घरेलू, जो आपने नजले के लिए सफिस्तान और नावलसी का बताया था। तो उससे उनके नजले में पहले नाक बिल्कुल सूज जाती थी, लाल हो जाती थी, होंठ सूज जाते थे, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। अब बहुत फायदा है, 50 मोर देन 50% बहुत एंड सुंदर। ओनली 1.5 मंथ में। और खूनी बवासीर में खून आना बंद हो गया है, जो आपने कत्था सफेद अलसी लाजवंती और गोंद मरिंगा बताया था, वो मैंने बना के दिया। तो उससे बहुत आराम है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इवन जैतून का सिरका भी मैं उनको दे रही हूँ, और साथ में गोंद मरिंगा, वो गोंद मरिंगा तो पड़ा है नुस्खे में, गोंद चाय भी दे रही हूँ। उनकी बॉडी में कहीं कहीं दर्द रहता है जैसे, तो सभी में फायदा हो रहा है ओवरऑल। सेकेंडली, मेरे बेटों को मेरी आवाज जा रही है आप तक? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत हाँ, प्यारी आ रही है। और थैंक यू। और मेरे बेटे को दूसरा नंबर, मेरे बेटे को फायदा हुआ है, 30 साल का बेटा है। उसको भी अस्थमा की शिकायत हो गई थी, उसको भी बहुत आराम है। ग्लैंड को ऑपरेशन बता दिया था उसको भी बहुत आराम है। साथ में वेट के लिए वो ले रहा है, पहले से कम है वेट, टहलने जाता है। और थर्डली, मुझे कितने फायदे हैं, बहुत सारी, 4 प्रॉब्लम थी। यूटीआई इन्फेक्शन था 2 साल से, और यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से मुझे 6 महीने 2021 में फीवर रहा कंटिन्यूअसली, और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फीवर है क्यों। सारे टेस्ट करा लिए, टाइफाइड और ये सब कुछ, 10,000 रुपए लगाए थे टेस्ट में, फिर पता चला कि यूटीआई इन्फेक्शन है और उसकी वजह से फीवर आ रहा है। इवन 20 में भी मुझे 6 महीने रहा, और इस साल भी मार्च तक रहा। अप्रैल से, मई से मैंने आपका नुस्खा शुरू किया, मुझे पता ही नहीं था आप टीवी पर आते हैं, मेरे हस्बैंड ने बताया था। मैं तो यूटीआई की अनलोन यूटीआई वाला नुस्खा आप ज़रा सा बता दें। बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं, जी उनको अक्सर प्रॉब्लम रहती है, तो उसे जी ज़रा दोहरा दें ताकि दूसरी महिलाओं को भी फायदा हो सके। मैंने, आपने मेरे को अलसी बताई थी, अलसी का पाउडर भून के और उसमें नमक जैतून एक चुटकी पानी में डालकर वही लिया मैंने। उसी से इतना आराम हुआ सर, मेरी सर में खुजली हो गई थी वो भी चली गई। और यूटीआई इन्फेक्शन में यूरिन अभी भी थोड़ा सा कलर डर्टी है, बट बहुत सारा फायदा है, इतना आराम है, पेट में हल्कापन लगता है और उससे बहुत आराम हो रहा है मुझे। जो प्रॉब्लम थी, फीवर आना बिल्कुल बंद हो गया सर। तो जी, ये 2 साल इन्फेक्शन हो दूर गए मुझे करता है। कंटिन्यू, ओनली अलसी और एक चुटकी नमक जैतून पानी में डाल के लिया था। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने गोंद चाह तो ले ही रही हूँ, मेरे घुटनों में 12 साल से दर्द था, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। समय नहीं खराब करूंगी क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पैर में इतना खिंचाव, उसमें इतना आराम है, मोर देन 80%।
अब मैं आराम से अपने जॉब पे जा सकती हूँ। पहले मेरा बीच में पैर स्टक हो गया था, इतना आराम है मुझे गौंसिया खाने से अलसी के साथ, और जैतून का सिरका भी ले रही हूँ। लेकिन सर मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगी कि जैतून का सिरका शुरू में, क्योंकि हम लहसुन नहीं खाते हैं, तो हालांकि मैंने अब स्टार्ट कर दिया है दवाई में डालकर, शुरू में मैंने प्योर लिया ऐसे ही, तो मेरी जो तलब होना चाहिए की वो बहुत कम हो गई। इवन मेरे बेटे को जो एक बार मैंने पूछा था क्रेविंग होती है उसको खाने की, उसकी क्रेविंग भी कम हुई है, उसको भी मैंने जैतून का सिरका दिया, तो इतना आराम हुआ है। शायद ये जैतून के सिरके से हुई है क्या, मैं ये जानना चाहूंगी, ये क्यूरियोसिटी है। हालांकि अब मैंने उसमें अदरक नींबू लहसुन मिलाया है कि शायद और ज्यादा फायदा करेगा, बेटे को भी कोलेस्ट्रॉल है मुझे भी। थर्डली एक ये फायदा हुआ कि मेरे जो तलवे थे ना, एड़ी सारी क्रैक रहती थी बहुत साल हो गए, वो इतनी चिकनी हो गई है। वो किस वजह से हुई, मैं जैतून का सिरका ले रही थी, गोंचा ले रही थी और गोंद मरिंगा भी ले रही हूँ, बालों की वजह से बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया। इवन मेरी मेड भी टोकती है कि आपके बाल तो मांग दिखती थी अब नहीं दिखती है। तो इतने सारे मुझे फीडबैक है कि मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, और भी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। अब अगर तीन क्वेश्चन है वो मैं पूछ लूँ अगर समय हो तो। जी जी एक तो ये है कि जो स्प्लीन होती है ना, मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम महसूस करता है जहाँ पे स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड में, स्लीहा बोलते हैं शायद उसको हिंदी में, वहाँ कुछ तो प्रॉब्लम भी महसूस करता है, तो क्या है ये, क्यों क्यों ऐसा होता है? पेट के नीचे यानी पसलियों के नीचे बाईं तरफ, हाँ ये इस जगह, हाँ तो कुछ कुछ प्रॉब्लम महसूस करता है, ऐसा क्यों है, क्या हो सकता है इसका, और कलमी शोरा के काम में आता है, एक बार आपने किसी को बताया था एक चुटकी, तो वो ये जानना चाहूंगी। और भी क्वेश्चन है बट आज नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। सॉरी टू टेक टाइम सो मच, प्लीज। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत से। तो मैं शुरू से पहली कॉल से बहुत इम्प्रेस रहा, और आज तो आपने हद ही कर दी, कहाँ से जिक्र करें और कहाँ तमाम करें, तुम्हारी बात को हम किस तरह से आम करें, क्या अंदाज है आपके बात करने का, एक एक लफ्ज़ उतर जाता है दिमाग में। वक्त बहुत कम है इसलिए कम बात करूँगा, मुझे सवाल इनके याद दिलाएं। कलमी शोरा किस काम आता है? हाँ, कलमी शोरा नुस्खों के साथ इस्तेमाल आता है, 6-7 चीज़ों के साथ। देखिए ये कलमी शोरा एक चुटकी, धनिया आधा चम्मच, और ज़ीरा 2 ग्राम, और एक आती है उसे कहते हैं, एक आती है सौंफ, वो 2 चम्मच। इसे उबाल कर पिया जाए तो पेट की समस्याएं हल होती हैं। और क्या सवाल है? बेटे को लेके हैं, लेफ्ट साइड पसलियों के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं इनके बेटे। ठीक है जी। स्प्लीन की आप बात कर रहे थे, इस तरफ होती है, और कभी हमारा लीवर मुतासिर होता है, इम्प्रेस होता है, तो इस हमारे लीवर का एक हिस्सा इस तरफ को होता है, बाकी पूरा लीवर इधर होता है, स्प्लीन इधर होती है, तो अगर लीवर में सूजन आ जाए तो वो ये हिस्सा स्प्लीन सूज जाती है और फिर अच्छे से काम नहीं करती, तिल्ली जिसे कहते हैं, तिल्ली कहते हैं। तो इसके लिए वो आप दे सकते हैं नमक जैतून, और दे ही रहे हैं तो धीरे धीरे वो अपनी जगह पर आना बेहतर है, नहीं तो यहाँ एक हल्की सी तकलीफ़ रहती है, बच्चे का लीवर भी मुतासिर हो सकता है। तो ये आप उन्हें देते रहें और उनको फायदा मुमकिन है। उत्तराखंड से नेक्स्ट कॉलर है सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब से बात करें जी, मैम खान जी से बात कीजिए जी। आदाब, जय हिंद सर। नमस्कार सर जी। आदाब, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। मेरा एक ही बेटा सर, 25 ईयर्स का सर, आयुष। इसके सर 4 साल पहले दोनों किडनियां खराब हो गई थी, इसे ट्रांसप्लांट हुई, उसके बाद 2019 में सर लैंड स्लाइडिंग से उसका सर फट गया था सर। तो इसका भी सर वेट भी बढ़ रहा है इतना, इसकी ये पैरों में हाथों में ताकत नहीं है।
ठीक है। अच्छा, पहले भी आपने फ़ोन किया है और ट्रांसप्लांट आपने करा लिया, बहुत अच्छा हुआ, भगवान आपका मदद करे। और की है भगवान ने आपकी मदद, इसको जो भी कभी दवा दें तो कम पोटेंसी की दें, और हाथ पैरों की ताकत के लिए कैप्सूल टी केयर रोज़ाना एक बार दें, रोज़ाना एक बार। इसके जिस्म में वही सब ताकतें वापस आएंगी जो एक मजबूत आदमी में होनी चाहिए। बस एक ही बार दें, दूध से दें। दूसरे लोगों को जो खुराक चलती है, किडनी के मरीजों को वो खुराक उससे आधी चलती है, तो दूसरे लोगों को ये 2 टाइम देते हैं, लेकिन इनको 1 टाइम रोज़ाना दीजिए, बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।